क्रिकेट जगत को लगा तगड़ा झटका। न्यूजीलैंड टीम की आन बान शान, कप्तान केन विलियमसन ने छोड़ी न्यूजीलैंड टीम की टेस्ट कप्तानी। सैम करन को कर सकता है आईपीएल ऑक्शन माला माल। पंजाब किंग्स सैम करन के ऊपर 17 करोड़ भी लुटा सकती है। सैम करन को पंजाब किंग्स 17 करोड़ में भी खरीदने को तैयार। अब तक क्रिकेट इतिहास में हजारों मैच खेले गए, लेकिन क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम कौन सी है आपको पता है? क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम है बांग्लादेश। क्रिकेट इतिहास में अब तक अनगिनत मैच खेले गए, लेकिन क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप में कितने मैन ऑफ द मैच मिले हैं पता है आपको? सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप में 8 बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। क्रिकेट इतिहास के लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने क्रिकेट करियर में 99.99 के एवरेज से रन बनाए, लेकिन वो अपने पूरे क्रिकेट करियर में सिर्फ 6 छक्के ही लगा पाए। रोहित शर्मा की चोट की वजह से खत्म हुई टीम इंडिया की टेंशन। ईशान किशन के रूप में इंडिया को मिला धाकड़ ओपनर, जो अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए। बेन स्टॉक्स ने की हैरी ब्रुक की तुलना विराट कोहली के साथ। बेन स्टॉक्स ने कहा हैरी ब्रुक विराट कोहली की तरह तीनों फॉर्मेट खेलने में सक्षम। क्रिकेट इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड है शाहिद अफरीदी के पास। शाहिद अफरीदी ने अफ्रीका के खिलाफ 158 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाया। क्रिकेट जगत के बादशाह कहे जाने वाले विराट कोहली को आईपीएल 2008 में आरसीबी ने कितने लाख में खरीदा था पता है आपको? आरसीबी ने 2008 में विराट को महज 8 लाख रुपए में खरीदा था।